नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कुछ बड़ी तकलीफ देह खबरें रहती हैं, आपको भी लगेगा कि मैं छांट छांट कर बुरी खबरों को लेकर आता हूं, लेकिन बुरी खबरों से हमको ये समझ पड़ता है कि हम इनसे कैसे बचें। ऐसे हादसे, ऐसे मामले हमारे परिवार में, हमारे आसपास कैसे ना हों, इसको समझने की ज़रूरत है। राजधानी रायपुर, जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, ये शहर है जहाँ मैं बसा हुआ हूँ, यहाँ जिस इलाके में मैंने पूरा बचपन गुजारा है, उस इलाके के पास की एक खबर है। वहाँ घर में दारू पार्टी चल रही थी, दो भाई जो हैं अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहे थे। पिता पहुँच गए, पिता ने कहा कि ये घर में ये क्या चल रहा है, क्या दारू पी रहे हो? तो दोनों बेटों ने अपने बाप को खूब पीटा। पीटते पीटते जो दोस्त साथ में दारू पी रहे थे बेटों के, उन्होंने भी पीटा। जो मेज़बान हैं, जो दो भाई दारू पीने दोस्तों को घर में बुलाए हैं, उन बाहर से आए हुए मेहमान दोस्तों ने भी मेज़बान के बाप को पीटा। तीन लोग गिरफ्तार हो गए हैं उसमें। जो पिता थे, उनकी पत्नी और बेटी ने बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मार पीट ऐसी हुई कि सबको चोट लगी है। अब इसके बाद कुछ रिश्तेदार थाने पहुंचे हैं, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, कहा पुलिस कार्रवाई न करे। आज जब मैं ये खबर पढ़कर आपके सामने बोल रहा हूं, तो आज ही छत्तीसगढ़ के एक दूसरे हिस्से की एक दूसरी खबर है कि बेटे ने अपने बाप को मार डाला। नई खबर नहीं है, हर कुछ दिन में आती है खबर। कई जगहों पे माँ को मारते हैं, कहीं पे बाप को मारते हैं। कभी कभी ये भी हुआ है कि बाप और माँ ने अपने न सुधरने वाले शराबी नशेड़ी बेटे को मार डाला हो, ऐसा भी कहीं कहीं हुआ है। इन सब के पीछे अधिकांश मामलों में शराब जिम्मेदार है कि शराब पीने की आदत थी, नशे की आदत थी, नशे के लिए पैसा नहीं मिलता था तो बेटे ने माँ बाप को मार डाला। रोज रोज मारपीट करता था बेटा आके, तो थक के माँ बाप ने मार डाला। यहाँ पे तो दारू पार्टी ही चल रही थी, दो बेटे और उनके दोस्त, उन लोगों ने मिल के मारा। बाप है तो जाहिर तौर पर, बेटे जवान बेटे दारू पी रहे हैं तो बाप कम से कम अधेड़ या बुजुर्ग रहा होगा। क्या किया जाए ऐसे मामलों में? कैसे किसी लड़के की इतनी हिम्मत होना चाहिए कि बाप के घर में दारू भी पिए और पीटे भी बाप को? मैं इस एक मामले की बहुत जानकारी नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बतला रहा हूँ, अनगिनत ऐसे मामले हैं जिसमें माँ बाप अपनी जमीन जायदाद बच्चों के नाम कर देते हैं, उसके बाद बच्चे उनको धुतकारना चालू करते हैं, मारना पीटना चालू करते हैं। तीन चार दिन पहले ही एक वीडियो मुझको देखने मिला जिसमें सीसीटीवी का फुटेज था, जिसमें एक लड़का अपने बाप को इतनी बुरी तरह मार रहा था कि 5-7 सेकंड देखने के बाद मैं आगे बढ़ गया, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। बुजुर्ग बाप बैठा हुआ था और जवान बेटा मारे जा रहा था। क्यों हिंदुस्तानी बुजुर्ग अपनी ऐसी दुर्गति करवा रहे हैं कि जिन औलाद को उन्होंने पैदा किया है, जिनको पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, जिनकी नौकरी के लिए कोशिश की होगी, कहीं रिश्वत दी होगी, कहीं दुकान खुलवा के दी होगी, आज भी पाल रहे होंगे, आज भी जवान बेरोजगार नालायक शिक्षित औलाद माँ बाप की छाती पे मूंग दल रहे होंगे। क्यों माँ बाप अपने औलाद को इतना सिर चढ़ा के रखते हैं? क्यों उनके नाम पर जमीन जायदाद कर देते हैं? क्यों बच्चों को ये खुशफहमी रहती है कि हम घर जाकर माँ बाप को पीट कर दारू पीने के लिए ले आएंगे पैसा उनसे? क्यों पहली बार की हिंसा के बाद ही माँ बाप जो हैं ऐसे औलाद के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट नहीं करते? मैं तो अभी देख रहा हूँ कि इतनी मारपीट होने के बाद पुलिस के थाना प्रभारी का बयान छपा है कि अब रिश्तेदार ही कह रहे हैं कि कार्रवाई ना की जाए। किस तरह के रिश्तेदार होंगे? ये परिवार कैसा रहेगा?
जिसमें बेटे घर में बैठ के, दो भाई घर में बैठ के दारू पी रहे हैं, दोनों मिल के बाप को पीट रहे हैं, माँ बहन बचाने के लिए आ रहे हैं उनको भी पीट रहे हैं। क्यों कार्रवाई ना करे पुलिस? ये लोग घर में रह के कौन सा भला करेंगे परिवार का? मैं कई बार अखबार में ऐसा संपादकीय लिखता हूँ, यहाँ पे शायद इस मुद्दे पर मैं पहली बार बोल रहा हूँ, अपने आल औलाद को इतना सिर मत चढ़ाइए कि वो आपके खिलाफ जुर्म करने लगे, आपको पीटने लगे, मार डालने लगे। मैं जिस अखबार को एडिट करता हूँ, जिसका संपादक हूँ मैं, छत्तीसगढ़ नाम का अखबार, ये नाम मुझको दुर्ग के रावलमल जैन जी ने दिया था, पुराने पत्रकार थे वो इस नाम से अखबार छापते थे, प्रकाशित करते थे, बाद में नहीं कर पा रहे थे। मैंने जब उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने मुझको ये मुफ्त में दिया ये नाम, और उनके पास उस समय जो पैसा था वो भी दिया कि सुनील जी मुझको भरोसा है कि आप मेरे अखबार के नाम के साथ न्याय करेंगे, अच्छा पेपर निकालेंगे, तो मुझको पैसा भी दिया था। उन्होंने अपने इकलौते बेटे, बेटियां रही होगी, बेटा इकलौता था, उसका कारोबार चलाने के लिए साड़ी की दुकान खोल कर दी थी, करोड़ों रुपए दिए उनके बेटे ने शेयर बाजार में या सट्टा बाजार में, वो करोड़ों रुपए हार गया वो। उसके बाद उसने अपने घर में, दुर्ग के अपने घर में डाका डल गया है ऐसा एक नाटक किया और माँ बाप को दोनों को गोली मार दी, माँ बाप को दोनों को गोली मार दी। रावलमल जी बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, उन्होंने दुर्ग जिले के नगपुरा में एक बहुत बड़ा जैन तीर्थ बनाया है जिसमें पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन देश के जो सबसे बड़े कारोबारी हैं उनमें से कुछ का परिवार भी वहाँ आता है, स्पेशल प्लेन से आते हैं, जाते हैं, वापस चले जाते हैं। बड़ी मान्यता थी रावलमल जैन की, वो गुजरात या मुंबई जाते थे तो उनके सम्मान में समारोह होते थे। बेटे को सिर पे चढ़ाया तो उस बेटे ने माँ बाप दोनों को गोली मार दी। मैं सबको सावधान रहने के लिए कह रहा हूँ, जो आपकी जमीन जायदाद संपत्ति है, साख है आपकी, सब आल औलाद के ही काम आती है, आखिरी में आप छोड़ के जा सकते हैं उनके लिए, समाज के लिए कुछ भी मत छोड़िए। अभी अमेरिका की तरह का कोई विरासत टैक्स यहाँ नहीं लगा है, बीजेपी उसके खिलाफ है, कांग्रेस ने भी कह दिया है कि हमने कभी सोचा भी नहीं है इसके बारे में, विरासत टैक्स के बारे में। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि आल औलाद के साथ क्या किया जाए, उसको कितना सिर पे चढ़ाया जाए। मेरी एक नेक सलाह आपको यह है कि अपने जीते जी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने इलाज के लिए पर्याप्त संपत्ति अपनी अपने नाम पर बचा कर रखें, माँ बाप अपने नाम पर बचा कर रखें। ज़्यादा अच्छा है कि दोनों के नाम पर संपत्ति रखी जाए। आल औलाद को देना है तो उसका एक छोटा हिस्सा आप दें, उनको अपने मेहनत करने दें, उनको कभी अपने ऊपर राज न करने दें, कभी उनके मोहताज न हों, कभी अपनी पूरी संपत्ति उनको दे के दाने दाने के लिए गिड़गिड़ाने की नौबत ना आने दें। मैंने देखा हुआ है ऐसा, अपनी रिश्तेदारी में देखा हुआ है, इसलिए ऐसी नौबत ना आने दें। अगर आप आज बुजुर्ग हैं तो आप खुद सावधान हो जाएं, आपके आसपास के कुछ लोग बुजुर्ग हैं तो मेरी ये बात ले जाकर उनको सुनाएं। अपनी ज़िंदगी, और ज़िंदगी खासी लंबी हो सकती है कई लोगों की ज़िंदगी, अभी चुनाव में वोट डाला है 105 साल के किसी ने वोट डाला है, 105 साल। अब आज आपकी उम्र जितनी भी रहे, आप हिसाब लगा लीजिए, अगर 105 साल तक मौत नहीं आई तो हिंदुस्तान में तो स्वैच्छिक मृत्यु जो है वो कानूनी भी नहीं है, अभी आपको जीना तो पड़ेगा। तो 105 साल तक आपके खर्च क्या रह सकते हैं ये सोच लीजिए, पति पत्नी जो हैं दोनों, माँ बाप दोनों सोच लें कि 105 साल की उम्र तक उनका खर्च कैसे चलेगा, उसका इंतजाम कर लीजिए। इंतजाम करने के बाद ही अपने बच्चों की कोई मदद कीजिए, वरना उनको कहिए कि हमारे मरने के बाद तो सब तुम्हारा ही है, आज कम से कम मेहनत करके अपना काम करो, थोड़ा बहुत तुमको चाहिए मेहनत तुम करो, तुमको चाहिए कि एक टूल किट खरीदना है ताकि तुम मैकेनिक बन जाओ, तो हम टूल किट जितना पैसा दे देते हैं, खाना तुम खा ही रहे हो घर में, सो रहे हो हमारे घर में,
और पैसा मत मांगना। जिन बेटों के पास दारू पीने का पैसा था और दोस्तों को बुला के दारू पिलाने का पैसा था, वही लोग माँ बाप को पीट रहे हैं। बाप को पीटे, माँ को धक्का दिए, बहन को धक्का दिए, ये उसी परिवार में हुआ है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो पुलिस कार्रवाई न करने की बात कर रहे हैं, जो रिश्तेदार, उनसे भी कहना चाहता हूँ, बुजुर्ग माँ बाप को ऐसी आल औलाद से बचाओ। इस आल औलाद को खुद मेहनत करने दो, खुद मेहनत करके जिंदा रहें, काम काज करें। माँ बाप की दौलत तो आखिरी में मिल ही जाएगी। हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जो दान करके जाते हैं? 99.99% माँ बाप आल औलाद को ही दे के जाते हैं। जब तक संपत्ति नहीं मिलेगी, विरासत नहीं मिलेगी, जब तक विरासत के कागज का, वसीयत का दस्तखत नहीं होगा, तब तक माँ बाप की इज्जत रहेगी। कोई भी वसीयत करना है तो ऐसी वसीयत कीजिए वकील से सलाह लेके कि आपके मरने के बाद ही आल औलाद का कुछ कब्जा हो उसके ऊपर। अपने जीते जी केवल वो मेहनत करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत मदद कीजिए, वरना जिस दिन आप अपनी दौलत से हाथ धो लेंगे, जिस दिन उनको वारिस बना देंगे, उनके नाम पे जमीन मकान कर देंगे, बैंक का पैसा निकाल के उनको दे देंगे कि ये काम करेंगे, उस दिन जान लीजिए वो काम नहीं करेंगे, आपको पीटना शुरू कर देंगे। ऐसा एक खतरा रहेगा। 100% आल औलाद पीटती हो ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सावधान तो रहना चाहिए। आपकी आल औलाद हिंसक ना हो जाए, आपको अनदेखा ना करे, इसकी एक जिम्मेदारी आपके ऊपर, खुद के ऊपर है, बुजुर्गों के ऊपर है। अगर आपके आसपास बुजुर्ग हैं, रिश्तेदार हैं, उनको सलाह दीजिए। बैंकों ने कुछ ऐसी योजनाएं भी बनाई हैं कि आपका मकान है, उस मकान को आप बैंक में रिवर्स मॉर्गेज में रख सकते हैं, उससे आपको हर महीने जिंदा रहने के लिए पैसा मिलते रहेगा। और जिस दिन आप मर जाएंगे, पति पत्नी दोनों मर जाएंगे, जिस दिन, उस दिन बैंक जितना पैसा उसने आपको दिया है ब्याज सहित, आपके वारिसों को बता देगा कि आप चाहें तो इतना पैसा दे के अपने मकान को छुड़ा सकते हैं, नहीं तो हम इसको नीलाम कर देंगे, अपना लोन एडजस्ट कर लेंगे, जो सरप्लस पैसा आएगा उसको आपको दे देंगे। ऐसा है इंतजाम भारत में, ऐसे ही बुजुर्गों को ध्यान में रख के लिया गया है। अगर माँ बाप अपने मकान के ऊपर खुद कब्जा रखते, ऐसे नालायक हरामखोर आल औलाद को अगर नहीं पालते, तो ये नहीं हो सकता था कि दोस्तों को बुला के दारू पियो और अपने माँ बाप को मारो, ये नहीं हो सकता था। मेरा तो ये मानना है कि पुलिस का कोई हक नहीं है ऐसी हिंसा के ऊपर कार्रवाई न करने का। पुलिस को कार्रवाई करना ही पड़ेगा ऐसी हिंसा जब हुई है तो। तो मैं आज कुल मिलाकर ये एक बात करने के लिए यहाँ आया हूँ, परिवार के ऊपर, परिवार व्यवस्था के ऊपर, कि परिवारों के भीतर हिंसा बहुत बढ़ रही है, नशा, शराब, बेरोजगारी ये नौजवान पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। आपके आल औलाद हों तो अपनी सारी जमीन जायदाद, संपत्ति, पैसा उनको न दे, उनको मेहनत करके आगे बढ़ने दें और इसको बचा के रखें। और मेरी बात आपको अच्छी लगे तो ये भी सोचें कि आखिरी में जाते हुए उनको ज़रूरत हो तो उनके नाम पे वसीयत करें, ज़रूरत ना हो तो किसी समाज से भी चीज़ के लिए, किसी अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए, ऐसे किसी चीज़ के लिए उसको दान करके जाएं। आपको दान अच्छा नहीं लगता है, अपने आल औलाद को दे, लेकिन अपने मरने तक का इंतजाम खुद करके चले, ऐसा लाज जूता ना खाएं अपने आल औलाद का। अगर आपके पास पैसा है तो, अगर आप गरीब हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। गरीब को मैं क्या सलाह दूं कि आप रात को पौष्टिक चीज़ें खा के सोना, क्या सलाह दूं मैं, मेरे पास कोई सलाह नहीं है उनके लिए। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी चीज़ है, संपत्ति है, पैसा है, तो अपने आल औलाद से बचा के रखिए उसको, उनका जूता मत खाइए, उनके हाथ मौत मत पाइए। उनको ये मालूम रहना चाहिए कि आपको मारने के बाद वो पैसा उनको नहीं मिलेगा। आप वसीयत ऐसी करके जाइए, वकील को मेरी बात सुनाइएगा ये वीडियो, वसीयत करके जाइए कि अगर आप प्राकृतिक मौत मरेंगे
आपके औलाद को ये संपत्ति मिलेगी, लेकिन अगर आपकी औलाद ही आपके खिलाफ हिंसा करे किसी भी तरह की, तो उसको इसमें से एक धेला नहीं मिलेगा। ऐसा वसीयत करके जाइए, आप देखिएगा आपको अपने घर में एक अलग तरह का सम्मान रहेगा, सुरक्षा रहेगी। मैं जो कह रहा हूँ आपकी हिफाजत के लिए कह रहा हूँ। अगर आप खुद पर्याप्त तो बुजुर्ग नहीं हैं, अपने आसपास के बुजुर्ग लोगों को सुनाइए, अपने बच्चों को सही राह पे रखने के लिए, अपनी खुद की हिफाजत के लिए ऐसी ही वसीयत करके जाइए कि हमारे बच्चे हमारे साथ अच्छे से रहेंगे तो हमारे मरने के बाद उनको ये जायदाद और पैसा मिले। अगर हमारे साथ बुरा सलूक करेंगे, हिंसा करेंगे हमारे खिलाफ, तो उनको एक धेला न मिले, उस समय इस समाज से भी संस्था को दे दिया जाए पैसा। सोच के देखिएगा, मेरी बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सोच के देखिएगा। ये सलाह आपकी औलाद को भी सही राह पे रखेगी और आपको सुरक्षित भी रखेगी। फिर मिलेंगे। आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा, अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा। इसका लिंक कहीं ना कहीं काम आएगा। हर एक के पास कोई ना कोई ऐसे होंगे जिनको आप बताएं कि एक बददिमाग आदमी जो हिंसक और मारपीट करने वाले बच्चों को हरामखोर बोलता है, वो क्या बोल रहा है, इसको आप सुनो, सुना के देखिएगा उनको। चलते चलते एक सलाह और, अपने आल औलाद को अगर आप दारू पीने के लिए पैसा देते हैं तो आप उनकी लत को आगे बढ़ाते हैं। उनको पहली बोतल के लिए ही पैसा मत दीजिए, उनको सिगरेट पीने के लिए, तंबाकू के लिए, जुआ सट्टा के लिए, किसी चीज के लिए पैसा मत दीजिए, किसी बुरी आदत के लिए। पहले दिन आप मना कर देंगे तो उनको समझ में आ जाए कि यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप बीच बीच में पैसा देते रहेंगे तो वो मान के चलेंगे कि घर आके नाटक करूँगा मैं तो माँ बाप देंगे पैसा। ऐसा मत कीजिए। अपने बच्चों को सही राह पे चलने दीजिए और खुद को सुरक्षित रखिए। फिर मिलेंगे।